हेलो एवरीवन, आज के हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब अगर इक्वेशंस हमारी तीन या तीन से ज़्यादा हैं तो उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं। देखिए, पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम तीन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, एक तो मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स एक्स होगा और तीसरा मैट्रिक्स बी होगा। जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कैसे मैट्रिक्स ए, बी और एक्स लिखे जाएंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए हम बनाएंगे इक्वेशन से, उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल जीरो हुई, ठीक है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी और उनका यूनिक सोल्यूशन होगा इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। और अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल जीरो की हो गया तब दो कंडीशंस हैं, तब आपको क्या करना है। अगर ऐसा हो गया तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको एडजॉइंट ए फाइंड करके उसका मल्टीप्लाई करना होगा बी से, ठीक है। एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करना होगा बी से। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो हो गया तो अभी हम यहाँ श्योर नहीं है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो उसी के लिए मुझे आगे अगला स्टेप भी बढ़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। देखिए यहाँ भी वही किया है, अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये हमें जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं मिलता है, मतलब इतना प्रोडक्ट फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो इक्वल जीरो मैट्रिक्स के नहीं मिला, ठीक, तो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब हम करें और वो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एज अ सिस्टम हैव आइदर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो हम ये श्योर नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि उसका इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज का। देखिए ये थ्री इक्वेशंस हैं, इन्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे और इन्हीं को हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहला काम जो क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं इन इक्वेशंस को, और मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, वो होती है ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए जो मैट्रिक्स होता है वो होता है इनके एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स का मैट्रिक्स। यानी जैसे आप पहला इक्वेशन देखिए, इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है, 3, वाई का क्या है, -1, जेड का क्या है, -2। तो क्या करिए, फर्स्ट रो में 3 -1 -2 लिख लीजिए। सेकंड इक्वेशन में आइए, अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो जो नहीं है उसका कोफिशियंट 0 यूज़ किया जाएगा, वाई का कोफिशियंट 2 और जेड का कोफिशियंट -1। तो देखिए 0, 2 and -1, मतलब सेकंड इक्वेशन से हमने सेकंड रो क्रिएट कर ली, ओके। और फिर थर्ड इक्वेशन जो है उसमें एक्स का है, वाई का है, लेकिन जेड नहीं है, तो जेड का कोफिशियंट 0 यूज़ किया जाएगा, 3 -5 and 0। तो इससे क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा आपको, और जो ये मैट्रिक्स एक्स होता है वो इनके ये एक्स वाई जेड अगर वेरिएबल्स हैं तो वो एक्स वाई जेड लिखे जाएंगे। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस में ए बी सी आ सकता है, तो ए बी सी लिखेंगे, पी क्यू आर हो तो पी क्यू आर लिखेंगे, ओके। और इक्वल में जो ये वैल्यूज होती हैं 2, -1 और 3, ये मैट्रिक्स बी फॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हों उनको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखेंगे, ए एक्स इक्वल बी के फॉर्म में। अब हम यहाँ से ये जान चुके हैं कि ये जो है हमारा मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो आप सॉल्व करना जानते हैं। मैंने सॉल्व किया और ये इक्वल में आ गया 0। सपोज दैट ये इक्वल 0 ना आता, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ये सॉल्व करें 0 है, मान लीजिए 2 आ जाता, कुछ भी आ जाता, नॉट इक्वल 0, तो बिल्कुल अच्छा था। तो हम कह सकते थे कि गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ आ गया है इक्वल 0, तो जब इक्वल 0 आएगा तो हमारा काम बढ़ जाएगा, वन स्टेप अहेड हमको बढ़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे आता है, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि जो मैट्रिक्स ए है उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाइए और उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, जिससे आपको ये मिल जाएगा। चूंकि मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया है, वो आपको सिखा चुका हूँ, आप बना सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया ना, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो ये मैट्रिक्स आया है इसका मल्टीप्लाई बी से, मतलब ये फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये हो गया जो भी फाइंड किया था, इंटू मैट्रिक्स बी ये वाला है वो लिख दिया। अब इसका दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होना है रो बाई कॉलम से, ठीक है ना, तो वो भी सॉल्व करके मैं लिख दिया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स मिला है हमको, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसके ऑल द एलिमेंट जीरो हो, ठीक है ना, ऑल, इसमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, सारे अगर जीरो होते तो ये जीरो मैट्रिक्स होता। मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी हमको जीरो मैट्रिक्स नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ये क्या है, इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा इस एक्सरसाइज का। इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम 4 kg ओनियन लें और 3 kg व्हीट लें, 2 kg राइस लें, तो 60 rupees कॉस्ट आती है। ऐसे ही अलग अलग वेटेज पर अलग अलग कॉस्ट दी गई है ओनियन, व्हीट और राइस की। पता ये करना है कि ओनियन, व्हीट और राइस इनका रेट क्या है, कितने रुपये पर किलो है। तो हमने पहले लेट कर लिया इनके प्राइसेस कि ओनियन जो है वो रुपी एक्स पर केजी है, व्हीट रुपी वाई पर केजी है और राइस रुपी जेड पर केजी है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस क्रिएट कर ली। जैसे पहली इक्वेशन ही बताई गई थी कि अगर हम 4 kg ओनियन लेंगे और 3 kg व्हीट लेंगे और 2 kg राइस लेंगे तो टोटल कॉस्ट 60 आएगी। तो चूंकि उनके रेस्पेक्टिव रेट्स क्या है एक्स वाई जेड, तो उनसे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन पहली बना ली। ऐसी सेकेंड कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई उससे सेकेंड इक्वेशन और थर्ड कंडीशन से थर्ड इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 3 इक्वेशंस ऑलरेडी दी जाएंगी और हमें उनको सॉल्व करना होगा, उनके यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो ये तो 16 में तो हमने पहले इक्वेशन फाइंड आउट की, अदर क्वेश्चंस में क्या होगा इक्वेशंस डायरेक्टली दी जाएगी। तो उन क्वेश्चंस में आप क्या करना, यहां से डायरेक्ट जो मैं सॉल्व कर रहा हूं यही आपको वर्क करना होगा। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके इनके रेट्स फाइंड कैसे करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज ए एक्स इक्वल बी। ए एक्स इक्वल बी ये भी आप जानते हैं कि इनके जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स हैं इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स ए होगा। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हैं तो वो मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा और इक्वल में जो वैल्यूज आती हैं उनसे मैट्रिक्स बी बनता है। ठीक, ये बन गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, जिससे ये चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, वैसे इसमें आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ही मिलेगी मैक्सिमम। डिटर्मिनेंट ए हम फाइंड करते हैं तो ये आपको क्या मिला, देखिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 50 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आप कर सकते हैं इसलिए, ये 50 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बड़ी अच्छी बात है, सॉल्यूशन इज यूनिक, यानी इसका सॉल्यूशन यूनिक है, यानी एक्स वाई जेड की सिंगल वैल्यूज हमको मिलेंगी। ओके, तो अब देखिएगा इसके आगे, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, पहले तो इतना चेक कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए ये आखिर एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकलेंगी कैसे। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। ठीक, एक्स इक्वल एक्स जो होगा वो एक्स वाई जेड होंगे, ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो ए ये वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, इसके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे जिससे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिलने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करिए, एक्स के प्लेस पर मैट्रिक्स एक्स, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 50, फिर उसके बाद में एडजॉइंट है वो हमने ये फाइंड किया है, ये हमने सॉल्व डायरेक्टली कर दिया है, आप करिएगा अपने आप। इसको यहाँ पुट किया इनटू मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी कौन सा था जो इक्वल वाला था वो ये लिख दिया। अब इनका इनका मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने, वो आ गया इतना। अब 1/50 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया इसने तो ये आ गया 5, 8, 8, और इधर क्या था मैट्रिक्स एक्स। अब देखिए जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो इक्वल कर लीजिए, एक्स इक्वल 5, वाई इक्वल 8, जेड इक्वल 8। तो एक्स किसका रेट था, एक्स रेट था ओनियंस का, यानी 5 rupees पर के जी ओनियन है, व्हीट है वो 8 rupees पर के जी है और राइस है जो वो 8 rupees पर के जी है। ठीक है ना, मतलब ये जब इस तरीके से आप 14 नंबर क्वेश्चन तक के जो सॉल्यूशन वो इसी प्रकार से करेंगे, इक्वेशंस दी होंगी, पहले ये फाइंड आउट करेंगे ऐसे पूरा सॉल्व, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल आएंगी।